बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह चैनल आपके स्वास्थ्य, सामाजिक समस्याएं, लीगल और वास्तु समस्याओं का समाधान आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही शोध किए गए इको फ्रेंडली रेमेडीज भी आप तक पहुंचाई जाती हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो सूर्य बुध शुक्र शनि की युति पर होगी, तो आज का यही विषय है। अभी जो पिछले कुछ दिनों योग एक बहुत सुंदर योग था, नया साल जब मैंने देखा, नए साल का पंचांग देखा, तो उसमें सूर्य बुध शुक्र शनि नौवीं राशि सेजिटेरियस धनु राशि में उदित हो रहे थे और साथ में ही बृहस्पति मंगल की युति परिजात योग दे रही थी। बहुत ही सुंदर दो योग थे, तो मुझे यूं ही क्लिक किया कि इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सूर्य बुध शुक्र शनि नौवीं नौ नंबर राशि, नौ नंबर जो कि बृहस्पति की धनु राशि है, जो कि हमारे गुरु, ग्रहों के गुरु बृहस्पति जी की राशि है, उस राशि में उदित हो रहे थे। और तुला राशि जो कि सात नंबर की राशि है, उसमें बृहस्पति और मंगल की युति थी। बहुत ही सुंदर दो योग थे। इस समय में 12 जनवरी से पहले पहले 13 जनवरी को शुक्र जो है धनु राशि से मकर राशि में चले गए और 14 जनवरी को सूर्यदेव भी मकर राशि में चले गए, तो उसके बाद शुक्रवार से यह योग, 13 जनवरी से यह योग जो है, शनिवार से यह योग खत्म हुआ। उससे पहले पहले जो बच्चे पैदा हुए उन वो इस योग के प्रभाव में आते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में यह योग प्रभावी होगा। अगर यह लगन धनु राशि जन्म पत्रिका के लगन में है, अगर कोई बच्चे की जन्म पत्रिका में लगन में यह योग है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। सूर्य लगन में है, बच्चा बहुत अच्छा होगा, उसको सभी प्रकार की पॉजिटिव चीजें सूर्य के प्रति उसको प्राप्त होंगी। अच्छा जॉब, अच्छी सेहत, अच्छा बदन, लंबे होंगे। बुध और शुक्र, बुध होने से अच्छी बुद्धि बल भी होगा। शुक्र, शुक्र का अच्छा लाभ मिलेगा, हालांकि सूर्य के साथ युति होने पर थोड़ा सा शुक्र संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा प्रभाव होगा। उनका लाइफस्टाइल, उनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होगा। शनि लगन में है तो वो बृहस्पति के मित्र हैं, क्योंकि बृहस्पति की धनु राशि है, उनके मित्र हैं, इसलिए उनका भी यहाँ पे प्रभाव अच्छा ही रहेगा। हालांकि कुछ बातों में ज्योतिषी प्रभाव में शनि लगन में शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि में है और सूर्यदेव भी साथ में ही है, तो उतना दुर्प्रभाव उनका शनि का यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से और शनि भी अपने शुभ प्रभाव देंगे और तीसरे पराक्रम भाव में भी शनि की राशि उदित हो रही है, जिस पर कि शनि की ही तीसरी दृष्टि रहेगी, तो इस प्रकार से वहां पे जातक का, बच्चों का पराक्रम भाव भी नष्ट नहीं होगा। और दूसरी तरफ बृहस्पति और मंगल बहुत ही सुंदर परिजात योग बना रहे हैं, तो उसका बच्चों को बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा। अब अगर लगन में धनु लगन है और सूर्य बुध शुक्र राशि की शनि चारों वहां पे उदित हो रहे हैं बच्चे के पत्रिका में, तो इसके और क्या क्या शुभ प्रभाव हैं वो आप देखें। जब धनु लगन है तो एकादश स्थान, पत्रिका एकादश स्थान जिसमें कि तुला राशि में बृहस्पति और मंगल बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं एकादश भाव में, और साथ साथ अपने भाव को, लगन भाव को देख भी रहे हैं बृहस्पति, और वहीं पर मंगल जो कि पंचमेश है, एक नंबर की राशि बन रही है, पंचमेश होकर के यहां से सप्तम दृष्टि से आय भाव में होकर के, लाभ भाव में होकर के सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देख भी रहे हैं, तो पराक्रम भाव बहुत अच्छा होगा बच्चे का। और बृहस्पति अपनी सारी ही दृष्टियों से बहुत अच्छा प्रभाव जन्मपत्री में देंगे।
लेकिन कहते हैं ना, तो अब आइए माता पिता को और ऐसे बच्चों के नादा नानी, नाना नानी, दादा दादी सभी को बहुत बहुत मुबारक। अब तो कहना ही पड़ेगा, वाह वाह ब्रह्मा जी पत्री क्या बनाई, बधाई हो बधाई, मम्मी पापा को बधाई, नाना नानी दादा दादी कर लें जेब ढीली और खिलाए सबको मिठाई, बधाई हो बधाई। बहुत ही उत्तम योग लेकर के ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। माता पिता घर परिवार के लिए तो शुभ होंगे ही, साथ में ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ होंगे। 30 साल बाद, 25-30 साल बाद जब ये बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो ये क्या बनेंगे? ऐसे बच्चे अपने प्रोफेशन से कितना सुंदर न्याय करेंगे। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे वकील होंगे, बहुत ही अच्छे जज होंगे, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर होंगे जो कि समाज का काम करेंगे। तो देखिए, हम समाज से जुड़े हुए, इंसान समाज से जुड़ा हुआ है, समाज इंसानों से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कितना शुभ होगा, हमारे देश का कितना अच्छा नाम होगा, हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा होगा। हाँ, यहां पर एक यह है कि अभी राहु जो है वो कर्क राशि में नीच राशि में है और इस क्षेत्र में अष्टम स्थान पर उदित होंगे, और वहीं पर केतु पत्री के सेकंड भाव में, दूसरे भाव में 10 नंबर की जो पत्री बन रही राशि है उसमें उदित होंगे। तो नीच राहु होने की वजह से समय समय पर जीवन के कुछ कष्ट भी आएंगे, जैसे कि जब सर्प दोष उदित होगा राहु और केतु के कारण, सर्प दोष जब समय काल के हिसाब से उदित होगा तो उस समय शनि के दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। तो शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जिस प्रकार के दुख, वो उस तरह की समस्याएं उस समय जातक को, बच्चों को आएंगी। तो इसके लिए माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि आप अभी से ऐसे शुभ अपने कर्म और अच्छे कर्म करें कि उन चीजों का प्रभाव बच्चों पर नहीं रहे। समय समय पर दान पूजा करके, समय समय पर, ताकि बच्चों को उस समय में वैसा उतना बुरा प्रभाव ना आए। अगर आप शुरू से करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इन चीजों को लाते हैं अपने बच्चे के प्रति, तो उसका बहुत ही सुंदर इफेक्ट बच्चे की लाइफ में बच्चे को दिखाई देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बच्चे के कर्म है कि वो इतने अच्छे योग में पैदा हुआ, कुछ कहेंगे वो उसके प्रारब्ध कर्म है, कोई कह देगा कि ये तो उसके माता पिता के शुभ कर्म है, कोई कहेगा ये तो जी भागी भागी की बात है, बच्चे का भाग्य है। ये सत्य है लेकिन अर्ध सत्य, पूरी तरह ये बात सच नहीं है। क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ज्योतिष जानता है, ज्योतिष के हिसाब से जानता है कि यह जो योग बच्चों की पत्रिका में आया है वो सिर्फ इस आत्मा की वजह से ही नहीं आया, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी आत्माओं के शुभ कर्मों का भी फल है। जैसे कि उनके अपने माता पिता, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी और उनके परदादा, इतने लोगों के शुभ कर्मों का फल इन बच्चों को मिला है। क्योंकि इसी समय में कुछ बच्चे इसी योग को लेकर उत्पन्न हुए हैं, जो कि जिनकी ही जन्म पत्रिका में दूसरे लग्न है, वर्ष का लग्न है, वृष राशि का लग्न है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, ऐसे लग्न वाले बच्चे भी उसी लग्न को लेकर के इसी समय में, साल वर्ष के समय में, दिसंबर एंड और 12 जनवरी तक जो बच्चे हुए वो भी हुए हैं, लेकिन उनके लिए, उन लग्नों के लिए यह योग शुभ नहीं है, उन बच्चों के लिए इतना शुभ नहीं है। तो यहीं पर शुभ कर्म उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पितरों की ब्लेसिंग्स का यहाँ पर उनको लाभ हुआ है, जो बच्चे धनु लग्न में इस योग को लेकर पैदा हुए हैं और इस समय
पारिजात योग में तुला राशि में उत्पन्न हुए के समय में, और अगर सप्तम राशि में उस समय अगर चंद्रमा भी हुआ, जैसे कि चंद्रमा ढाई दिन में एक राशि को क्रॉस करता है, एक राशि में ढाई दिन तक रहता है, और अगर इस बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा भी सप्तम राशि तुला राशि में हुए तो क्या हम कहेंगे? जैसे कि अगर हम कहते हैं बधाई हो, बधाई माता पिता को, लड्डू, बहुत अच्छा योग है, तो चंद्रमा भी अगर सप्तम में है तो उस समय हम कहेंगे कि माता पिता की झोली में लड्डू और मोती, बहुत ही सुंदर योग। तो इस प्रकार से कोई भी जातक जो इस दुनिया में आता है वो सिर्फ अपने ही कर्म नहीं लाता, वो अपने आसपास के रिश्तेदारों के, सबके जो पूर्ण रिश्तेदार उसकी जिंदगी में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दादा दादी, नाना नानी और परदादा और माता पिता, सभी के कर्म। इसलिए इससे एक सीख भी मिलती है कि हम सभी को शुभ कर्म अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करने चाहिए। जैसा कि जब बात होती है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के ऊपर जब बात होती है तो कहा जाता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित न होने दें, हम उसे साफ रखें, और जो एसेट्स हैं, जो हमारे पर्यावरण की हमें देन है, उसको हम यथासंभव ही यूज करें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको मेंटेन करें। ये प्रेजेंट जनरेशन की ड्यूटी है। इसी प्रकार से सामाजिक तौर पे भी, ज्योतिषीय रूप में भी ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शुभ कर्मों को करें। अब आइए इनको कैसे किया जाए। जैसे कि हम कहेंगे कि दूसरा योग जो है, एक योग ये है कि अगर तुला लगन इसी समय में जो बच्चा पैदा हुआ और उसकी राशि, उसकी जन्मपत्री में तुला लगन से जन्मपत्री उदित हो रही है, वह भी अति शुभ है, बहुत ही सुंदर योग है, वह भी वहां पर भी बनेगा, वहां पर भी कई प्रकार के सुंदर योग जो हैं मिलेंगे। और इस प्रकार के योग को लिए हुए जातक जो हैं अच्छे हमारे वक्ता होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, राइटर्स होंगे, अच्छे जजेस होंगे, तो ये भी हमारे लिए एक सामाजिक उपलब्धि है। अब इन बच्चों की देख रेख करना और इनके जो ग्रह समय समय पे ग्रह चाल के हिसाब से, गोचर के हिसाब से जो कष्ट आएंगे, तो ये हमारे माता पिता और उनके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उन कष्टों से बचाएं, ताकि अचानक कभी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो यह भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज में ये जीवों के लिए मेंटेन रखने के लिए, उनको रखने के लिए, ताकि ये आगे जाकर के समाज को सुंदर लाभ पहुंचा पाए, उसके लिए इस प्रकार से हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अब देखते हैं कि ये योग किन किन योग लगन के लिए उस समय जो पैदा हुए बच्चे उनके लिए शुभकारी नहीं है, ज्यादा शुभकारी नहीं है। जैसे कि वर्ष लगन है, कर्क लगन है, मकर लगन है, वृश्चिक लगन है, उनके लिए ये इतना शुभकारी उदित नहीं है जितना कि ये इन दो लग्नों के लिए है। कन्या लगन के लिए भी शुभ है, मिथुन लगन के लिए भी शुभ रहेंगे। एक मेष राशि वालों अगर उदित हो रहा है, मेष राशि वाले जो अगर मेष की जो लगन है तो उसमें भी ये बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत ही सुंदर लगन जो है। कुंभ राशि, अगर कुंभ 11 नंबर की राशि उदित हो रही है लगन में, उनके लिए भी ये योग बहुत सुंदर है। इस प्रकार से मैंने ये बताने की कोशिश की। अब ये बात आप कहेंगे कि इस समय में बाकी बच्चे जो चार बच्चे हैं उनको ये शुभता क्यों प्राप्त नहीं हुई, या वो ऐसे समय में क्यों नहीं पैदा हुए कि उनको ये लगन या ये उनको योग प्राप्त हो जाते, शुभ योग के रूप में प्राप्त हो जाते, ऐसा क्यों हुआ। अब यही तो कर्म है। अब यहां पर कर्म काम करेंगे पितरों के, क्योंकि यह और कुछ इनकी अपने की हुई भी कर्म वहां पर काम कर गए कि वह ऐसे समय में पैदा हुए कि उनके लिए यह योग शुभकारी नहीं होगा, लेकिन हाँ उनकी पत्रिका में अन्य योग होंगे जो कि शुभकारी।
अब जैसे कहते हैं ना कि बृहस्पति वार के दिन, अब ये दो योग लिए हुए अगर कोई जातक बृहस्पति वार के दिन पैदा होता है तो और भी ज्यादा उत्तम होगा उसके माता पिता को। तो फिर ये आप कहिए कि वो तो हीरे जवाहरात से भरी हुई छोली हो गई, बहुत सुंदर अगर बृहस्पति वार के दिन पैदा हो। और बृहस्पति वार में भी अगर बृहस्पति होरा में पैदा हो गए तो और उत्तम। तो इस प्रकार से ज्योतिष अपने आप में बड़ा ही गूढ़ विज्ञान है, और जितनी जन्म पत्रिका उत्तम होती चली जाएगी, जितनी मजबूत होती चली जाएगी, उसमें कमजोर ग्रहों के या जो ग्रह पत्रिका में अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं उनका प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। तो देखा आपने कि ज्योतिष कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी अच्छी गूढ़ विद्या है, जो कि कितना हमको लाभ पहुंचाने वाली है। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आपको अशुभ प्रभावों का पहले ही पता चल जाए तो आप समय रहते हुए अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए उपाय करके यथा योग दान पूजा करके करें। इस समय एक बात मैं कह देना चाहूंगी कि लोग कह देते हैं कि टोटके, somehow मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, मैं टोटके शब्द को नहीं इस्तेमाल, क्योंकि यह आप एक कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभता के लिए कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, दान कर रहे हैं। जैसे कि कई बार कह दिया जाता है आपके बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, आप अखंड पाठ साहब करा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करा लीजिए, गीता का पाठ करा लीजिए, माता की जाप करवा लीजिए, तो वो बहुत अच्छे शुभ कर्म है। तो इनको हम ये कर्म है अपने आप में, तो इनको हम कोई छोटा नाम नहीं देना चाहिए हमें, यही मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, लाभकारी लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।